हाँ जी राम राम जय माता दी कैसे हैं आप सभी अभी शाम का टाइम है और आ, मैं और हनी आए थे कवशर में तो ये गोबर फेंकने जा रहा है और ये रास्ता बना हमारे जंगल को जहाँ से हम घास लाते हैं ना डेली स्कूल भी है आगे प्राइमरी स्कूल तो वहाँ को ये रास्ता गया और कई सालों से था ये ही चलो ये रास्ता बन जाता ना हमारा हम रोज का आना जाना वहाँ पे तो अभी ये नरेगा के तहत बना है कच्चा ही पक्का नहीं है बस ऐसे ही मिट्टी पत्थर से ही बना लोहनी मैं हनी को चाय भी दे रही हूँ यहाँ पे ना एडिटिंग करते टाइम वॉइस ओवर करते टाइम तो यहाँ पे लगाई हमने सेज आगे जब सर्दियों में ना जब बारिश नहीं होगी आजकल तो सेज ढोई ही नहीं जाती देखो यहाँ पे बेल तोरी लगी है इसको बोलते हम बेल तोरी और आगे सर्दियों में सारी इसको ना सारी गोबर की जो खाद बनी है इसको हम खेतों में फेंक देंगे और आजकल तो हरा हरा चारों तरफ होता है और ये देखिए यहाँ पे ये है ची ची का मतलब बिच्छू बुट्टी बोलते हैं इसको साग भी बनाया था मैंने इसका एक बार बड़ी खतरनाक होती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है मतलब ये और मतलब मैं क्या बोलूंगी कितनी ज्यादा खतरनाक होती है जिन 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 जो जो इसके साथ छुआ होगा ना उसको पता होगा और ये ऊपर को गई पहाड़ियां अभी मैं आपको पहाड़ियाँ बताऊंगी और फिर बाद में हम खाएंगे पनीर दो तो चलिए अभी मैं आपको एक एक पहाड़ी के ऊपर गई हूँ मैं वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ देखो तार है ये बिजली की तार है यहाँ पे पंछी बैठे हैं आप हमें बताना इनको क्या करंट लगता होगा कहते करंट होता है इनमें ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से मुझे बताना और काफी लोगों ने कल मेरा चैनल शेयर किया था संगीत मुझे नाम नहीं अब याद रहे पर मैं ना उनके नाम लिखूंगी उस वीडियो में से और मैं बोलूंगी आ, कल वाले वीडियो में आज मैं थोड़ा जल्दी में थी तो जिन जिनों ने शेयर किया उन्होंने बोला था कि हमने भाई को किया सुहाना शुक्ला है संगीता है आ, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि हमने एक एक को ना शेयर किया है उन्होंने नाम भी लिखे थे तो थैंक यू कि उन्होंने वो, वो वाली क्लिप सुनी आ, वहां तक वो गए तो ये हमारे पहाड़ है कौशल के साथ लगते ही पहाड़ है और आ, मैं बोलती हूँ अगर ये चीजें ना देखी ना तो क्या देखा जिंदगी में है ना तो खाना भी हम घर में अच्छा बना सकते हैं आ, अपने घर की डेकोरेशन भी कर सकते कोई भी कर सकता है ये सब पैसों का खेल है ठीक है ये सारे लेकिन ये जो ये जो ये चीजें है ना ये पैसे देके भी नहीं नहीं मिलती आप लोग जानते होंगे आपको पता है सभी लोगों को ये चीजें पैसे दे के देख दे आप, मतलब, इतना सुंदर लग रहा है ना ये पहाड़ियाँ ये जंगल है हमारे जहाँ पे हम घास को जाते हैं और देखो नीचे रास्ता देखो कच्चे पक्के कितने सुंदर ये रास्ते हैं ये पहाड़ हैं Uh, मैंने आज बड़ी आराम से कैप्चर किया है बट बिल्कुल कोई कैमरा नहीं हिलाया है बिल्कुल खड़े होके पहाड़ी के ऊपर पता नहीं आप कौन कौन देखोगे कौन कौन नहीं देखोगे इन चीज़ों को लेकिन हम क्या चीज़ आ, पता है <laughs> क्या देखते हैं लोग अच्छा घर है अच्छा बेड है, अच्छा है अच्छा वो है अच्छा वो है लेकिन ये चीजें अच्छे बेड घर व सब कुछ आ जाते हैं पैसे देख के आज नहीं होता किसी के पास कल हो जाता है सबके पास पैसा लेकिन ये चीजें नहीं मिलती अः ये जो स्ट्रेस भरी जिंदगी है ना जो इसमें घुटन है ये ये सब देख के ना बहुत सुकून मिलता है तो ये देखिए नेचर के करीब रहिए बहुत सुकून मिलेगा मन को ये माँ का मंदिर है सामने तो चलिए आज बनाते हैं सब्जी सब्जी का क्या नाम है पनीर दो प्याजा <laughs> पनीर दो प्याजा तो चलिए ये मैंने थोड़ा सा दही लिया यहाँ पे और दही में मैं थोड़ थोड़े थोड़े गर्म मसाले सारे ले लूँगी लाल मिर्च और लाल मिर्च नहीं वैसे लेते पर मैंने ले लिए थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लूँगी मैं इसमें लूंगी ये नमक डाल दिया मैंने और अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा आटा ठीक है एक चम्मच आटा लीजिए मैदा लीजिए जो भी बेसन भी अच्छा होता है इसमें ठीक है अब हम इस घोल को ना मिक्स कर देंगे ये देखिए घोल हमने मिक्स कर दिया है और आ, ये देखो और अब ये पनीर ना ये हमारे को जहां पे हम दूध देते हैं ना डायरी में वहां वहां पे दे देते हैं दो चार महीने बाद मतलब ऐसे फ्री तो नहीं देते पर पैसे काटते हैं दूध के तो वहां से वो दे देते हैं वो लोग तो ये देखिए अब इसको कर देंगे सारे को इसमें मिक्स ठीक है आप लोग कैसे बता बनाते हैं ना वो भी मुझे बताइएगा ये देखिए ये हो गया मिक्स अब थोड़ी देर ना इसको पांच मिनट ऐसे ही रखना है ताकि अच्छी तरह से ना इसमें ये हो जाए जो हमने वो घोल किया था तैयार टमाटर कर दिए कद्दू का सामने और यहाँ पे रख दिया मैंने तेल कढ़ाई में लोहे की कड़ाई है ये, ये और थोड़ा सा तेल लेना है थोड़ा सा ही लेना बस एक कड़छी उसमें ना हमने ये फ्राई कर देना जो हमने लिया था ना वो बनाया था जो हो गया है अब तो तो इसमें हमने ये वाला जो हमने किया था ना ये वाला इसमें फ्राई कर देना ठीक है ये देखिए मैं सब मतलब कोशिश करती रहती हूँ देख देख के कि कैसे किसने बनाया कैसे किसने बनाया तो मैंने बोला चलो पनीर हर बार सिंपल पनीर बनाते हैं इस बार ये दूसरी वाली रेसिपी बनाई जाए पनीर दो प्याजा ये हर जगह की रेसिपी ये कहीं की मशहूर नहीं है मतलब इसको कहीं पे भी बना सकते हैं मेरे ख्याल से तो बस इसको फ्राई करेंगे हम पाँच छः मिनट तक तो इस बाकी तेल इसमें फिर बच जाएगा जब ये तेल छोड़ देगा ना अब मसाला भी भून जाएगा पनीर भी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाएगा बढ़िया उतने को मैं ये अदरक और लहसुन इनको कूट लेती हूँ तो चलिए अब जो ना ये हो गया फ्राई इसको उठा लेंगे हम निकाल लेंगे यहाँ से मतलब अच्छा मतलब अच्छा, अच्छा, ये हो गया इसको रख देंगे साइड में निकाल के है ना ये देखिए और ये उठा अब इसमें तेल बचा हुआ है तेल की ज़रूरत नहीं इसमें डालने की थोड़ा सा ही तेल है और इसमें हो जाएगा जो भी हम बनाएंगे ना अब और तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म है इसमें मैंने जीरा डाल दिया आज धनिया धनिया कुछ नहीं डालूंगी और इसमें छोटे छोटे बारीक कटे हुए प्याज अब देखते रहिए पता नहीं इसलिए इसको बोलते हैं दो प्याज है इसको दो, दो प्रकार के प्याज पड़ते हैं कट के इसमें छोटे छोटे बरीक करके मैंने प्याज काटा था ना एक वो डाल दिया मैंने इसमें ये देखिए और इसको हम भून लेंगे भून तो ये जल्दी जाएगा क्योंकि इसमें ना ये पहले से ही गर्म थी कढ़ाई, तो इसको भूनने में टाइम नहीं लगेगा और अब ये भून चुका है तो अब इसमें ऐड करेंगे जो जो भी हमने डालना है इसमें ये देखिए हो चुका है अच्छी तरह से बनाइएगा सच्ची में बहुत टेस्टी थी हमने इसको खाने के बाद जो मैरिटिंग कर रही हूँ तो हल्दी डाल दी मैंने और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया थोड़ा सा पाउडर ये वो देगी मिर्च है जो ज्यादा नहीं लगती और गर्म मसाला थोड़ा सा धनिया पाउडर ये चीजें डाल दी अब इस सारे को मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैं वो डालूंगी जो मैंने पीसा था ना लहसुन और हरी मिर्च आपके पास अदरक भी होगा ना और अगर आप बनाना चाहेंगे इस तरह से तो अदरक भी डालना तो मेरे पास नहीं था कौन बोला था कल की जो नहीं होता वो नहीं बोला करो क्यों नहीं बोला करो या? ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है चीज उसमें मना करने में कौन सी बुराई है झूठ बोलने से तो बेटर है ना कि आप सच बोल दो और फिर इसमें डाल दिए मैंने टमाटर ये टमाटर अपने बगीचे के और ये देखिए अब इसको भून लेंगे हम अच्छी तरह से ठीक है अगर इसमें ज्यादा आप ग्रेवी चाहते हैं थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं इसमें इसको भून सकते हैं ये देखिए पानी भी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा मैंने इसमें ना बेसन भूना देख सकते हैं आपकी कैसा बना होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है <laughs> कि बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है मेरे से तो <laughs> आता भी नहीं ऐसा बार बार बोलने और सच्ची में बहुत अच्छा बना था वैसे अब मैं भी एक कुक बनती जा रही हूं है ना यूट्यूब पे आके वैसे मैं कुक हूं नहीं मतलब वैसे परफेक्ट कुक वैसे तो खाना हम रोज बनाते हैं सिंपल सा खाना तो रोज बनता है तो अब इसमें डालेंगे हम अब आई वो दो दूसरे प्याज की बारी जैसे इसका नाम है ना इस रेसिपी का पनीर दो प्याजा अब ये जो पनीर ये जो प्याज है ना हमने ये मोटा कट कर, कट करके कर कर रखा होता है इसको हमने बाद में डालेंगे अब इसके बाद इसको पांच दस मिनट तक और पकाएंगे ज्यादा तो इसको पकाना नहीं है सिर्फ ऐसे थोड़ा सा वो करना है चावल के साथ खाओ चाहे चपाती के साथ खाओ अब इसमें दो चीजें और रहेगी डालने को वो पड़ेगी लास्ट में बस अब इसको पाँच सात मिनट तक होने देंगे ये हो गया है पाँच सात मिनट इसको अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया कट करके और थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे ये देखिए वाह दूसरी बार नहीं डालना पहले डालना था ना पनीर में दूसरी बार मैंने धनिया पाउडर डाला था अब अब इस, इसमें डालेंगे गरम मसाला वैसे भी लास्ट में पड़ता है तो ये देखिए बन गया हमारा और यहाँ पे इस साइड में शाम के ना चावल बचे हुए थे चावल नहीं हमने बनाए इसके साथ खाने के लिए सिर्फ चपाती बनाई थी और शाम के चावल बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि उसमें ही तड़का लगाते हैं ना तो उसमें हमने जो है वो जीरा लगाया इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती ना तो पीले पीले हो जाते पर वो ध्यान नहीं रहा बाद में आया ध्यान दो मिर्ची मैंने डाल दी इसमें हरी और ये देखिए हरी मिर्ची भी हो गई थोड़ा सा नमक भी मतलब बिल्कुल ऐसे लाइट थोड़ी सी हल्दी नहीं डाली और ये मैंने चावल यहाँ पे ना इनको पहले ही हाथों से मतलब ऐसे अलग अलग कर लिया था थोड़ा सा पानी लगा के बस ये बन गया हमारे चावल इसके साथ बाकी फिर हमने इसको ये हो गए थे सुबह के लिए बाकी चपाती भी बनाई थी और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अभी तो बस एक साल हो गया और नौ हजार सब्सक्राइबर एक लाख के लिए हो जाएंगे कोई बात नहीं ऐसा नहीं है कुछ नहीं यहाँ तक आ गए तो आगे भी चले जाएंगे चलो तो ये बन गए हमारे चावल हो गए बनके गर्म भी हो गए जीरा राइस भी बन गए जो मर्जी सोचो जैसे मर्जी अपने मन को मनाना है नहीं ये देखिए मैं बहुत बार ऐसा ही करती हूँ तो चलो आ गया है वीडियो को एंड करने का टाइम ये है लसन और इसको भी मैंने कैद कर लिया बड़ी खतरनाक चीज है अगर लग जाती है ना तो बस बंदा ना उठ सकता है ना बैठ सकता है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राम राम खुश रहिएगा अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और ये अनारदाने का पौधा बाय बाय